हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भाई न्यू सीज़न कब आने वाला है और टायर सेट कब होने वाला है। सारी चीज़ बताने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप क्रोनेस कहीं पे भी हो, पे भी आप लोग हो ना, तो नेक्स्ट सीज़न आपका टायर किस पर रिसेट होने वाला है। इससे पहले अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि न्यू सीज़न कब आने वाला है। तो देखो, इस महीने में आने वाला है न्यू सीज़न। तो गाइस, न्यू सीज़न का जो टाइम है वो 19 मई 5:30 AM, मतलब कि सुबह के टाइम पे न्यू सीज़न आने वाला है। और इसके साथ साथ जितने भी टायर होता है, जितना भी रैंक होता है, सब कुछ रिसेट हो जाएगा। और आपका रिसेट हो कर कहाँ पर आपका रैंक जाएगा वो चीज़ को बता देता हूँ। तो हम बात करते हैं कि आप का जो टायर है रिसेट होकर कहाँ पर रुकने वाला है, मतलब जैसे कि अगर आप लोग इस सीज़न के कंकरर हो या फिर इस डोमिनेटर पर हो या फिर इस मास्टर पर हो या इस पर या क्रोन पे या डायमंड पर, नेक्स्ट सीज़न रैंक क्या होने वाला है वह सब चीज़ क्लियर बता देने वाला हूँ। सब कुछ रिसेट हो जाएगा और आपका रिसेट होकर कहाँ पर आपका रैंक जाएगा वो चीज़ आपको हम बताता हूँ। देखो, और जिसको भी कंक्वर करना है आप लोग कमेंट में बता देना कि आपको किसमें कंक्वर करना है, सोलो दो स्क्वायर किसमें कंक्वर कर रहे हो। तो बात करते हैं कि आपका जो टायर है रिसेट होकर कहाँ पर रुकने वाला है, मतलब कि जैसे कि अगर आप लोग इस सीज़न के क्रोन कंकरर या फिर एस डोमिनेटर या एस मास्टर पर हो या फिर एस पर, तो आप लोग कहाँ पे जाने वाले हैं। तो बात करते हैं डायमंड से। जो लोग भी डायमंड 5 पर है उसका रैंक नेक्स्ट सीजन कहाँ पे जाएगा, तो उसका नेक्स्ट सीजन रैंक गोल्ड 5 पर जाएगा। और डायमंड 3 पर जो लोग है उसका रैंक नेक्स्ट सीजन गोल्ड 3 पर जाएगा। बात करते हैं क्रोन 5 पर। जो लोग क्रोन 5 पर है उसका रैंक कहाँ पे जाएगा, जो लोग 5 पर है उसका नेक्स्ट सीजन रैंक गोल्ड 1 पे जाएगा। और जो लोग क्रोन 3 पर है उसका नेक्स्ट सीजन रैंक प्लेटिनियम 5 पर जाएगा। और जो लोग क्रोन 1 पर है उसका नेक्स्ट सीजन रैंक क्रोन डायमंड प्लेटिनियम 2 पर जाएगा। और जो लोग एस पर है उसका नेक्स्ट सीजन रैंक प्लेटिनियम 1 पर जाएगा, यानी सॉरी 32 पर जाएगा। और जो 4200 के और 4500 के बीच में है उसका नेक्स्ट सीजन रैंक प्लेटिनियम 1 पर जाएगा। और जो एस मास्टर में है उसका भी अगले सीजन रैंक प्लेटिनियम 1 पर ही जाएगा। बात करते हैं इस मास्टर और इस डोमिनेटर के बीच वाले जो लोग हैं, तो उन लोगों का रैंक भी प्लेटिनियम 1 पर ही जाएगा नेक्स्ट सीजन। बात करते हैं जो कंकरर पे है, 6000 पॉइंट डोमिनेटर से 6000 पॉइंट 5200 से 6000 पॉइंट के बीच में उसका रैंक कहाँ पे जाएगा, उसका रैंक भी प्लेटिनियम 1 पर ही जाएगा। बात कर
अगर आप अभी भी कम कलर पर बैठे हो, कम से कम 7,000 पॉइंट है आपका, तब भी आपका नव प्लेटिनियम 1 पर ही रीसेट होता है। मतलब कि प्लेटिनियम 1 से आपका ऊपर रैंक नहीं रहेगा। आप भले ही कितना भी पॉइंट करके रखो, अगर आप लोग स्क्वाड में कम से कम 7,000 से ऊपर या 1 पर ही, ये चीज़ आप समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके देख लेना, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, आपको ज़रूर से रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हर सीज़न में रैंक पुश करता हूँ। कंक्रर जैसे लेना, इसका वीडियो डाल दिए हैं, देख लेना। जो भी वीडियो देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो।